क्या नील आर्मस्ट्रांग ने सच में मून पर लैंडिंग की थी? जब रशिया ने पहली बार इंसानों को स्पेस में भेजा तो उसी साल यूएस प्रेसिडेंट कैनेडी ने अमेरिका की जनता को ये प्रॉमिस किया कि वो इस दशक के खत्म होने से पहले इंसानों को चांद पर लैंड कराएंगे और सुरक्षित वापस भी लेकर के आएंगे। बहुत सारे लोग ये भी डाउट करते हैं कि जिस टाइम में सबसे पावरफुल कंप्यूटर इतना पावरफुल भी नहीं था कि वो आपके स्मार्टफोन को चैलेंज कर सके, उस टाइम में इंसान मून पर लैंड कैसे हो सकते हैं। लेकिन रियलिटी यह थी कि 1969 को उस रॉकेट ने टेक ऑफ किया और इसके साथ साथ रिटर्निंग के टाइम पर उस कैप्सूल ने वापस पानी में स्प्लैश डाउन किया, क्योंकि हजारों लोगों ने उस इवेंट को लाइव देखा था। और इसी के साथ साथ एस्ट्रोफिजिसिस्ट नील डग्रास टाइसन का कहना है कि इतने सारे इंजीनियर्स और साइंटिस्ट इतनी बड़ी बात को दबा करके नहीं रख सकते थे। इसके अलावा बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि चांद के वैक्यूम में फ्लैग उड़ कैसे सकता है। इसका बेसिक आंसर यह है कि इसके ऊपर इस तरह की एक रोड लगाई गई थी। इसके अलावा चांद पर हवा तो नहीं है, लेकिन इनर्शिया वहां पर भी काम करता है और एस्ट्रोनॉट के हाथ के फोर्स की वजह से इस तरह से हिल गया था। ज्यादा जानकारी के लिए आप कमेंट्स की लिंक से पूरा वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।